हेलो फ्रेंड्स, मैं सी राकेश सिंह रिसर्च एनालिस्ट और आपका स्वागत है हमारी टेली सीरीज कल के बाजार में क्या करें। तो आज हम आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल तो देंगे ही, साथ ही आपको एक शॉर्ट टर्म के लिए एक पिक बताएंगे और साथ ही साथ अपने दर्शकों के सवालों के जवाब भी देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं आज के बाजार की, तो बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आज मई सीरीज की शुरुआत थी जो कि थोड़ी कमजोर रही, क्योंकि ग्लोबल मार्केट से सेल ऑफ था फ्राइडे को और फ्राइडे को इंडिया मार्केट क्लोज था, तो उसका इंपैक्ट भी आना था, तो जो कि आज आया। तो इसलिए निफ्टी आज ऊपर हुआ 9534 पर और वही डे हाई था, लेकिन उसके बाद निफ्टी में ह्यूज सेलिंग आई जिसकी वजह से निफ्टी ने 9400 के लेवल को, जो सपोर्ट लेवल था, उसको भी तोड़ दिया और निफ्टी ने 9267 का लो लगाया और फाइनली निफ्टी ने आज 9294 की क्लोजिंग दी। कल के लिए अगर मैं बात करूं तो आज निफ्टी ने डेली बेस पे, डेली चार्ट पे ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लिया है, तो इसीलिए हम एक बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल में, जो कि निफ्टी को 9600-9700 तक के लेवल पे ले जा सकता है। हालांकि ये रहे एक सपोर्ट लेवल 9400-9350 का एक सपोर्ट है, अगर वो सपोर्ट ब्रेक हो जाता है तो फिर हमें 9200-9150 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी में आज की बात करें तो बैंक निफ्टी में शुरुआत ऐसी रही, बैंक निफ्टी में भी ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 20515 पर और उसके बाद बैंक निफ्टी ने 20530 का इमीडिएटली हाई लगाया, लेकिन उसके बाद ह्यूज सेलिंग आई जिसकी वजह से बैंक निफ्टी ने 19644 का डे लो लगाया और फाइनली बैंक निफ्टी ने 19744 की क्लोजिंग दी। कल के लिए अगर मैं बात करूं तो कल के लिए बैंक निफ्टी में भी डेली चार्ट पर एक ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये सपोर्ट 19800-19550 की रेंज में रह सकता है। अगर ये लेवल ब्रेक होते हैं तो फिर हमें 19000 तक के लेवल भी देखने को मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ हमें ऐसा लगता है कि 20200-20500 तक के लेवल देखने को मिलने चाहिए। अब बात करते हैं पिक ऑफ द डे की। आज का हमारा पिक ऑफ द डे है वेदांता। वेदांता को हम, आज का करंट प्राइस इसका 80 रुपए के आसपास है, आप इसको करंट प्राइस पर या थोड़ी डिप्स पर भी खरीद सकते हैं। हमारा टारगेट प्राइस 89 रुपीज का है, जो करीब 11% अपसाइड देता है करंट पे आप, और जो कि हम अगले 7-15 दिन में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसका स्टॉप लॉस रखिए 76 रुपए में क्लोजिंग बेस पर। साथ ही स्टॉक क्योंकि वीकली आरएसआई में राइज कर रहा है ओवरसोल्ड ट्रेंड से, और साथ ही वीकली स्लो स्टॉकिस्ट भी राइज कर रही है ओवरसोल्ड ट्रेंड से, तो इसलिए हम स्टॉक को रिकमेंड कर रहे हैं। अब बात करते हैं दर्शकों के सवालों की। हमारा सवाल है लाखन पांड्या जी का, ये IIFL सिक्योरिटी पर ये पूछ रहे हैं अगले 5 साल का व्यू। आज का भाव इसका 3280 पैसे है। कंपनी एक ब्रोकिंग कंपनी है इक्विटी कमोडिटी मार्केट में, IIFL ग्रुप की कंपनी है। कंपनी सितंबर 19 में लिस्टेड हुई थी आफ्टर डिमर्जर फ्रॉम IIFL होल्डिंग, और जनवरी 20 में राकेश झुंझुनवाला जी ने इसमें एक 27 लाख से ज्यादा शेयर भी खरीदे थे। मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा की है कंपनी की। कंपनी ने 52 बी खाई बनाया था 62 रुपीज का, क्योंकि अभी सितंबर 19 में ही कंपनी लिस्टेड हुई है तो बहुत ज्यादा डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है टेक्निकल चार्ट पर स्टडी करने के लिए। तो अभी हम 5 साल का व्यू तो नहीं दे सकते, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि करंट सिनेरियो को देखते हुए और करंट ग्रोथ रेट को देखते हुए अगले 1-2 साल में हम 65-70 का लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। तो अगर आपके किसी पर्टिकुलर स्टॉक को लेकर कोई क्वेश्चन है तो हमें जरूर लिखें, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। साथ ही हमारे चैनल को देखते रहें और मुनाफा कमाते रहें। घर पर ही रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।